तो भाई लोगों, पुष्पा टू का टीजर तो सभी लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, और मानना पड़ेगा भाई, दाद देनी पड़ेगी मेकर्स की कि जो टीजर है इसका सॉलिड है। खैर बहुत लोगों को कनेक्ट भी नहीं करके गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों का कहना यह था कि भाई साहब जब इन्होंने ग्लिम्स निकाला था तो बहुत कुछ तो इन्होंने ग्लिम्स में रिवील आउट कर दिया था, तो टीजर में फिलहाल तो कुछ देखने को मिला नहीं। एक सिंपल एक ही टास्क था, उसी के आसपास पूरी मूवी मतलब पूरा टीजर घूमता रहा, एक कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कनेक्ट ही नहीं कर पाया, समझ में नहीं आ पाया, और शुरू होने से पहले खत्म हो गया, क्लिक ही नहीं कर गया। बहुत लोगों को भाई नहीं करके गया होगा, लेकिन भाई एक्चुअल मतलब समझा के गया है। पुष्पा टू के मेकर्स जो भी जितना भी दिमाग इन्होंने लड़ाया है सॉलिड लगाया है, एक्चुअल मतलब समझा के गया है भाई साहब टीजर का असली मीनिंग क्या होता है। मतलब टीजर के जरिए आप मूवी प्रमोट कर रहे हो, बट सम टाइम मतलब पिछले कुछ समय से देखने में ये आ रहा था कि भाई साहब मूवी की जो क्लिप्स होती हैं, मूवीज के ऐसे आई कैची सीन्स या सिक्वल्स होते हैं, उनको टीजर में डालकर वो टीजर को बूस्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन भाई साहब एक्चुअल टीजर का मतलब ये होता है कि टीजर के जरिए तुम्हारी मूवी प्रमोट हो जाए, और बाय गॉड डेफिनेटली मूवी प्रमोट हो रही है, क्योंकि बहुत बहुत कुछ क्या कुछ भी रिवील आउट नहीं हो रहा, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन अपना काम क्या है भाई साहब, प्रिडिक्शंस करना, थ्योरी सेट करना, एनालिसिस करना, देखते हैं क्या नहीं मिलेगा क्या मिल सकता है। तो भाई साहब क्लिम्स का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, देन उसके बाद जो टीजर आया है उसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, और स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर होगा क्या, मतलब मिलने क्या वाला है। खैर प्रिडिक्शन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि ऐसा मतलब सीन क्या चल रहा है जो टीजर में ये चीज़ हमें देखने को मिली है, ये वाला नया अवतार जो भाई मेरे को बहुत बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। एक बार के लिए बस सिर्फ पोस्टर से देखने को लग रहा था कि ठीक है, कुछ अतरंगी मिजाज का करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पोस्टर्स ऐसे निकाले जा रहे हैं, कभी घुंघरू वाले पाँव के साथ, कभी क्या कहते हैं वो ब्लाउज एंड देन साड़ी देन झुमके, मतलब फुल वो औरत वाला लुक, तो लग रहा था कुछ अलग हिसाब करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोग कनेक्ट करें, लोगों को कुछ नया देखने को मिले। लेकिन भाई साहब टीजर में ही उन्होंने पूरा सीन जो माहौल था वहाँ का पूरा माहौल ही वही बना दिया। ग्लिम्स में क्या देखा था हमने, मतलब लास्ट जब हमने पुष्पा जो मूवी देखी थी वहाँ खत्म कहाँ हुई थी भाई साहब, शेखावत के साथ खत्म हुई थी लास्ट में, जब शेखावत की बहुत बुरी तरीके से उसने बेइज्जती करी। तो भाई जब पुलिस वाले की बेइज्जती करेगा अपना पुष्पा भाव, तो उसके बाद इतनी पावर थोड़ी ना है कि वो पुलिस से सीधे पंगा ले ले, वहाँ पंगा ले रहा है लेकिन भाई बाद में तो उसके पीछे पड़ेगी ही। तो सीधी बात कि भाई वो जेल में चला गया, ग्लिम्स में सीधे पता लगा कि वो जेल में चला गया था, देन जेल से फरार हो गया था, तो वो छुप गया है कहीं जाकर। ग्लिम्स में जो चीज खत्म हुई वो चीज यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और ये चीज कितनी श्योर है कितनी नहीं भाई मैं इसकी गारंटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक प्रिडिक्शन है, एक एनालिसिस है, एक इमेजिनेशन है कि शायद ऐसा हो, बस उसी के बेस पे काम चल रहा है, उसी के बेस पे मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा भाई साहब इसकी भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि जो ये सीन दिखाया गया है, मतलब टीजर में जितना भी ये मोमेंट दिखाया गया है, ये मूवीज के कोई एक पार्ट ही उठा के डाल रखा है क्या, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। कई बार होता ये है कि भाई मूवी प्रमोट करने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा शूट करे जाते हैं, और टीजर में अलग से देखने को ये मिलता भी है, लेकिन फिलहाल देखने को तो मिल रहा है, क्योंकि अगर ग्लिम्स की बात करें जहाँ से वो फरार हो चुका है, जंगल में जा चुका है, और ये जो मंदिर वाला कनेक्शन है, खैर साउथ का इतना कल्चर मेरे को मालूम नहीं है कि एक आध जगह मैं देख रहा था कुछ कुछ रिचुअल्स थे या कुछ वैसा पूजा पाठ, जैसे अपने यहाँ बंगाल में चले जाओ दुर्गा पूजा के टाइम पर भाई साहब वो सारे रिचुअल्स कंप्लीट करे जाते हैं, वो पूरा माहौल सेट, तो वैसा मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो जरूर बताना कि ये जो रिचुअल्स कंप्लीट करे जा रहे हैं, ये जो कोई भी पूजा पाठ चल रही है वो किसको डेडिकेट कर रही है या किससे रिलेटेड है, जरूर बता के जाना अगर आपको पता हो तो। फिलहाल भाई साहब पता ये लग रहा है कि जब वो वहाँ चला जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जब आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है तो टीजर ने हमें बता ही दिया कि उसमें पुष्पा भाव तो पुष्पा भाव लग ही नहीं रहा है, पुष्पा बाई लग रहा है। फिलहाल डाई हार्ड फैंस माइंड मत करना भाई, गाली मत देना कमेंट बॉक्स पर, जस्ट जोक जोक सपाट एंड नथिंग एट ऑल, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ बिग एंड ह्यूज फैन ऑफ अल्लू अर्जुन। भाई इसकी एक्टिंग दमदार, मजा आ जाता है, मतलब क्या रियलिस्टिक का जो भी तड़का मारता है जी, आइकन स्टार स्टाइलिश स्टार ऐसे ही नहीं खा जाता है, इसके हर एक चीज़ में स्टाइल है बाबा। और जो वो पल्लू को उठाने वाला सीन साड़ी में भाई पाँव से पूरा घुमा के दमदार लगाया, मतलब विजिन जिस हिसाब की डायरेक्टर ने सेट करी, देन उसके बाद उसको रिप्रेजेंट इतने बेहतरीन तरीके से किया है।
खैर सीजीआई का इफेक्ट तो लग नहीं रहा है इतना, खैर रियलिस्टिक ही देखने को लग रहा है, तो सोच सकते हो उसके पीछे कितनी मेहनत करी गई होगी। ये जो पाँव से ऐसे घुमा के और वो पल्लू डाल के सीन, देन उसके बाद वो किन्नरों वाला हिसाब किताब। फिलहाल बात ये समझ में आ रही है कि भाई साहब ये सिर्फ आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि अगर ये पार्ट होगा भी मूवी का तो शायद ये स्टार्टिंग का पार्ट हो, क्योंकि वो वहाँ पर छुप चुका है जंगल में। देन उसके बाद कुछ एक टाइम के बाद कहानी शुरू होगी और अपना पुष्पा भाव वो लेडीज रूप में देखने को मिल रहा है। लाइक वही चीज की भाई, जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो उसमें से अर्जुन को लास्ट में वो किन्नर के रूप में अज्ञातवास का एक जो वर्ष निभाना था, शायद वो चीज कनेक्शन आ रही है कि भाई कुछ टाइम के लिए पुष्पा भाव अपने इस रूप में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाद में क्या था कि एक्शन सीन भी देखने को मिला है, तो एक्शन में जो तीन चार और मतलब वही लेडीज वाला वेशभूषा बना के वो भी आए थे जो भी विलेंस हैं, तो वो किसके मेंबर हो सकते हैं? हो सकता है सिंडिकेट के, क्योंकि यहाँ पर शेखावत साहब से तो पंगा चल ही रहा है उसका, देन उसके बाद सिंडिकेट मेंबर से भी पंगा चल रहा है, सिंडिकेट से भी पंगा चल रहा है। तो ये जो तीन चार थे वो सिंडिकेट मेंबर हो सकते हैं कि बाद में उन्हें पता चल गया हो कि भाई अपना पुष्पा जो है वहाँ जाके छुपा पड़ा है और वो उसको ढूंढने आए होंगे, और वो रिचुअल ही एक ऐसा मोमेंट होगा, उन्हें इनर मतलब कहीं से खबर मिली होगी कि भाई जब वो बाहर आएगा तो वो इसी रिचुअल्स में आपको मिल सकता है और वही एक टाइम है, जाओ पकड़ो। लेकिन पुष्पा भाव पहले से ही एक्टिव है, वो उनको थोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बाकी भाई साहब टीजर हिट तो बहुत ज़्यादा करके गया है, और दूसरा ये कि भाई मेरा मान मतलब इन माय विजन जहाँ तक मुझे देख कर लगा टीजर को कि भाई ये टीजर हर किसी के लिए नहीं था, नॉट फॉर ऑल, किसी भी ऑर्डिनरी ऑडियंस के लिए नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये हुआ क्या, आगे आया ख़त्म हुआ, यहाँ से पता ही क्या चला, मूवी क्या आने वाली क्या नहीं आने वाली ये पता ही क्या चला। क्योंकि देखने को ये भी मिला कि भाई अल्लू अर्जुन का एक नया अवतार देखने को मिला, न्यू कैरेक्टर देखने को मिला, और जिसमें फिट होते नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी बॉम्ब मूवी देखी है आपने, अक्षय कुमार का वो लुक याद आ गया, बिल्कुल मैच हो रहा था भाई। अब आप इससे चाहे कंपैरिजन को या कुछ भी को, लेकिन दमदार हो रहा था। बाकी और क्या स्टोरी होने वाली है, फिलहाल टीजर से तो बहुत कुछ हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल टीजर अभी आना बाकी है। ये तो बस करेक्टर इन्फॉर्मेशन ही लगा एक टाइप से, एंड अल्लू अर्जुन का वो इंट्रोडक्शन ही लगा कि भाई ये इसका ये अवतार भी तुम्हें देखने को मिल सकता है इसमें। बाकी कहानी भाई सिंडिकेट जो है, सिंडिकेट इसके पीछे पड़ा ही पड़ा है। देन उसके बाद शेखावत, अपने भंवर सिंह शेखावत, बड़ा टिपिकल कैरेक्टर एंड विलेन के रूप में निगेटिव डार्क कैरेक्टर, दमदार है यार, वो मजा आ गया था उसे देख के, तो वो भी पीछे पड़ा है उसके। कहानी भाई साहब दमदार होने वाली है, पुष्पा टू द रूल ऐसे ही नहीं है भाई, आपने किंगडम सेट किया है तो अब आपको इस किंगडम को मेंटेन भी करना पड़ेगा। एनी हाउ जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे या नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे उनको टैकल करना होगा, हैंडल करना होगा, देन उसके बाद मेंटेन भी करना होगा, एंड न्यूट्रलाइज तो उन्हें करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके पुष्पा भाव राज कर पाएंगे, तभी जाके फ्लावर नहीं फायर है ये सफल होते नजर आएगा, और तभी जाके ये बंदा जो डायलॉग मारता है ना बार बार की झुकेगा नहीं, वो देखने को मिलेगा। फिलहाल एक चीज़ यार ये भी सुनने में आ रही है कि रश्मिका मंदाना यहाँ पर एंड होने वाला, मतलब दी एंड होने वाला है उनका, और हो जाएगा क्या? अगर ये हो गया तो भाई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री दमदार है इन दोनों की। फिलहाल मैं नहीं चाहूँगा कि रश्मिका मंदाना का यहाँ पर दी एंड हो जाए। पुष्पा जो थर्ड पार्ट आने वाला है भाई, उसके लिए भी इसको बचा के रखें। बाकी तुम लोग बताओ टीजर कैसा लगा कैसा नहीं लगा। फिलहाल जो मैंने टीजर देखा, मेरे को जितना समझ में आया मैंने यहाँ सब उगल दिया। अब आपकी बारी, टीजर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, देन उसके बाद और भी ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे, जय हिंद।